दोस्तों, पेट कम करने के लिए प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इनका नियमित अभ्यास करने से आप जल्दी ही पेट को कम करके अपना वजन घटा सकते हैं। यदि आप भी मोटापा से परेशान हैं और जिम नहीं जा सकते तो घर पर ही इन प्राणायाम को करें। प्राणायाम न केवल आपके वजन को कम कर सकते हैं बल्कि यह आपके रक्तचाप, तनाव, चिंता, पेट की बीमारियों, अवसाद, मधुमेह और हृदय की समस्याओं को भी ठीक करता है। गहरी सांस लेने के योग विज्ञान को प्राणायाम कहा जाता है। यह एक पूरा श्वास व्यायाम है जो पेट को कम करने में मदद कर सकता है। गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से होती है जो हमारे वजन को नियंत्रित करने में हमारी मदद करती है। यदि आप अपने भारी वजन से परेशान हैं और पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो ये पेट कम करने के लिए प्राणायाम आपकी मदद कर सकते हैं। इसे विस्तार से जानते हैं। अपने पेट की चर्बी कम करने के लिए आप निम्न प्राणायाम और योगासन को कर सकते हैं। पेट कम करने के लिए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति वजन को कम करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। जब आप इस योग को करते हैं तो अधिक गहरी सांस को लेते हैं। इससे आपके अंदर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाता है। यह आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। कपालभाति प्राणायाम पाचन क्रिया को ठीक रखता है जिसकी वजह से पेट को कम किया जा सकता है। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को जमीन पर बिछाकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और ध्यान की मुद्रा में बैठे। सांस अंदर को ओर ले, अब सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर इस प्रकार खींचे कि पेट और पीठ आपस में मिल जाए। फिर सांस को अंदर ले और पेट को ढीला करें। यह क्रिया फिर से दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम को 5 मिनट तक लगातार दोहराएं। पेट की चर्बी कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही प्रभावी होता है। इस योग से भी पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और इससे व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क दोनों शांत रहता है। यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसका रोजाना अभ्यास करने से कब्ज, पेट में गैस बनने और एसिडिटी की समस्याएं दूर हो जाती हैं और पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को जमीन पर बिछा कर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाए। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और अंगूठे से दाहिने नाके नथुने को बंद करके बाएं नथुने से लंबी सांस लें। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका से बाएं नथुने को बंद करके दाहिने नथुने से सांस को बाहर छोड़ें। इस स्थिति में आपका बायां हाथ घुटने पर रहेगा। पेट कम करने के लिए प्राणायाम में करें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी कपालभाति की तरह ही फायदेमंद होता है। इस प्राणायाम को करने से डाइजेशन सिस्टम सही रहता है जिसकी वजह आप जो भी खाते हैं वह आसानी से पच जाता है। अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं तो इस भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को जमीन पर बिछा के पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठे और तर्जनी को अंगूठे से मिलाएं। अब एक गहरी सांस अंदर लें और फिर बलपूर्वक उसके बाहर निकालें। फिर से बलपूर्वक अंदर की ओर सांस लें और फिर से बलपूर्वक उसे बाहर निकालें। इस भस्त्रिका प्राणायाम को कम से कम 21 बार करें। पेट कम करने के लिए योगासन नौकासन। नौकासन या नवासन बेली फैट को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे करने में संतुलन और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पेट की चर्बी कम करने में बहुत ही प्रभावी है। नौकासन योग करने के लिए आप एक योगा मैट को बिछा के दोनों पैरों को अपने सामने सीधा करके बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और दोनों हाथों को सीधा जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों को सीधा रखे हुए ऊपर उठाएं। संतुलन बनाने के लिए आप थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाएं और हाथों को अपने आगे की ओर सीधा रखें। इस मुद्रा में पैरों और शरीर के ऊपरी हिस्से के बीच कमर पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। पेट की चर्बी कम करने के लिए प्राणायाम वज्रासन। वज्रासन योग पेट को कम करने में बहुत ही लाभदायक होता है। इस योग को करने से अधिक कैलोरी बर्न होती है जिसकी वजह से आसानी से वजन को कम किया जा सकता है। इस आसन को करने के लिए आप एक योगा मैट पर अपने सिर को सीधा रखे हुए घुटने टेक के अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख लें। अब सांस को अंदर लेते हुए अपने सिर को पीछे की ओर तथा अपनी ठोड़ी को ऊपर करें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को सीधा करें।
इसके बाद फिर से सांस को अपने सिर को नीचे करें और अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। इस आसन को कम से कम 5 से 6 बार करें। यह आसन पेट को कम करने के लिए लाभदायक होता है। पेट की चर्बी कम करने के लिए प्राणायाम में करें धनुरासन योग। धनुरासन योग बेली फैट को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इस आसन को करने के लिए एक योगा मैट को जमीन पर बिछा के उस पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने अपने दोनों हाथों शरीर के समांतर रखें। अब अपने दोनों पैरों को पीछे की घुटनों के यहाँ से मोड़ें। अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लें। इस आसन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। अंत में दोनों हाथों को खोल के अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएं। बेली फैट कम करने के लिए प्राणायाम में करें भुजंगासन। भुजंगासन योग करने से आपके पेट की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, जो पाचन क्रिया को सही रखने और बेली फैट को कम करने में मदद करता है। भुजंगासन को करने लिए आप एक योगा मैट को बिछा के उस पर पेट के बल लेट जाएं, जिसमें आपकी पीठ ऊपर की ओर रहे। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब अपने दोनों हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की ओर करें और ठुड्डी को ऊपर की ओर करने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि आपके कमर से नीचे का शरीर जमीन से ऊपर ना उठे। आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें।